हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने होम आर्ट चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सुंदर सा डोरमैट बनाएंगे। इस डोरमैट को बनाने के लिए मैंने ऐसे वेस्ट पड़ी हुई कतरन को लिया है और इसे बनाना बिल्कुल ही इजी है। तो फ्रेंड्स, इस कतरन को मैंने लगभग 3-3 इंच में चौड़ाई ली है और लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितना आपको बड़ा पायदान लेना है उसके हिसाब से आप लंबाई ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, कतरन को ऐसे फोल्ड किया। इसके ऊपर ही हम दूसरा कलर रखेंगे, दूसरी कतरन को उसको फोल्ड करके यहाँ हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अपने घर में कोई वेस्ट पड़ा हुआ कपड़ा है तो उसको बेकार में हमें नहीं फेंकना चाहिए, उनको अपने काम में यूज ले सकते हैं। तो इस ये मैंने सिलाई कर ली है इसको। अब देखो दूसरा हमें कैसे सिलना है, इसके पास में ही जॉइंट करना है। ये इसको यहाँ से रखा और इस कतरन को ऐसे फोल्ड किया और वैसे ही हमें सिलाई करनी है जैसे हमने पहले की है। ऐसे ही पूरे डोरमेट को कवर करना है, कतरन को फोल्ड करके सिलते रहना है हमें। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं एक बड़ा और सुंदर मजबूत पायदान बनाना तो वीडियो को पूरा देखते रहें, जरूर आपको पायदान पसंद आएगा। अगर आप इस पायदान को घर पर बनाएंगे तो यह एक सॉफ्ट गलीचा बनेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना। इसके लिए फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमने सब कतरन को एक साथ जॉइंट कर लिया है जितना हमें बड़ा पायदान बनाना है। उसके बाद हम एक यूरिया का थैला लेंगे, उसके ऊपर ये हम जो कतरन हमने जॉइंट किया उसको रखेंगे। जितना बड़ा हमने ये जॉइंट किया है कपड़ा कतरन को, उतना बड़ा हमें थैला लेना है कटिंग करके। तो उसके हिसाब हम यहाँ से इसको पूरे को चारों ओर एक सिलाई लगाएंगे। इस कपड़े को ऊपर रखेंगे जो हमने जॉइंट किया है, उन सबको एक साथ कट्टे के ऊपर रख के यहाँ हम चारों ओर एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये चारों ओर इसके सिलाई लगा लिए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये हमने एक पतली पाइपिंग तैयार करनी है। ये हमने लगभग 1.5 इंच में कटिंग की है चौड़ाई। तो अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ हम एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ से पूरी की सिलाई लगाना है। इस पूरी को हमने सील लिया है, यहाँ से कटिंग करेंगे। अब हमें इसको सीधा करना है। तो ये मैंने
सिलाई की सहायता से हम पेन से भी कर सकते हैं और निडल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिलाई की सहायता से इसको सीधा कर रही हूँ, पाइपिंग बनाऊंगी एक। इस पाइपिंग को हमें किस तरीके से उस डोरमेट के साथ या पायदान के साथ अटैच करना है, तो इसको हमने सीधा कर लिया है। अब हम इसके प्रेस करेंगे, इस तरीके से हमें पाइपिंग बनाएंगे और फिर उसके ऊपर हम यहाँ एक प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पाइपिंग बना ली है, चार पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इस तरीके से कपड़े के साथ अटैच करना है हमें, वो आपको बताऊँगी कैसे, हमें कितने कितने इंच के ऊपर ये पाइपिंग लगानी है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से हम चौड़ाई की ओर ऐसे 7 इंच पे निशान लगाएंगे, दोनों साइड से हमें 7-7 इंच पे निशान लगाना है। बीच में हमारी 3 इंच गैप छूटेगी, जो हम पट्टियाँ लगाएंगे, जो पाइपिंग बनाई है हमने, वो 3-3 इंच के गैप के अंदर हमें इसके साथ अटैच करना है यहाँ हम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पाइपिंग को इसके ऊपर अटैच करके रखेंगे और यहाँ हम बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर सिलाई करेंगे। बीच में रखा ये मैंने, जहाँ पे 7 इंच का गैप रखा था, वहीं जो बीच में निशान आया 3 इंच का, वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। पहले सिलाई हमें वहीं से करनी है पाइपिंग लगा के। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमें दूसरी ओर सिलाई करनी है बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर। इसी तरीके से हमें वो जो चारों पाइपिंग है इसके ऊपर अटैच करनी है, इसे सिलाई करके। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने चारों पाइपिंग लगा लिया है इसके ऊपर। अब हमें चारों और एक पाइपिंग और लगानी है इसके जो बाहर की साइड में। तो ये मैंने एक कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है, इसकी लंबाई जितनी इसके कॉर्नर पे चारों ओर लगेगी उतनी हमें लगानी है। यहाँ से हम सिलाई करेंगे इसके, यहाँ सिलाई करके इस तरीके से सिलाई करेंगे हम। सिलाई करने के बाद में हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे, इसको सीधा करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने इसको सी लिया है, अब हमें इसको सीधा करना है। हम पेन की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कैंची है, अभी मैं कैंची से इसको सीधा कर रही हूँ। सीधा करने के बाद में हमें इसके एक प्रेस करनी है, ताकि ये प्लेट बिल्कुल समतल रहे, इधर उधर सिलाई ना दिखे। ये मैंने प्रेस कर लिया है, अब हमें कैसे इसके साथ अटैच करना है। यहाँ से हम पकड़ेंगे डोरमैट को, इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई वाला हिस्सा नीचे रखना है और ये ऊपर रखना है। तो यहाँ हम बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर चारों ओर पाइपिंग लगाएंगे इस तरीके से, धीरे धीरे, बिल्कुल हमें कॉर्नर पे लगाना है। जो हमारी सिलाई थी पाइपिंग की, जो ये सफ़ेद वाला कपड़ा है इसकी पाइपिंग की सिलाई थी, वो हमें सिलाई नीचे की ओर रखनी है और फोल्ड किया हुआ हमें ऊपर की ओर रखना है। इस तरीके से हमें इसके चारों ओर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके चारों ओर पाइपिंग लगा ली है, हमारा डोरमेट बनके तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत बना है, कलरफुल। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।